आप बोले तो हम कुछ बोले नहीं, सुनोगे संशोधन कर रिकॉर्ड में। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ चर्चा महोदय, जब हम कुछ बोले तो इतना ज्ञान रहे कि जितने लोग बैठे हैं वो भी थोड़ा बहुत ज्ञानी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार और ज्ञान की कटोरा, ज्ञान की खूबसूरती सब इन्हीं लोगों के पास है। 17 से पहले ही देश लूटा जा रहा था और 17 के बाद से ऐसा लगता है कि राम राज आ गया है, सब कुछ यही हो रहा है और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा। तो जो जी ये महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ने के बाद हम विपक्ष के लोग हैं, हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपका गुणगान करेंगे? हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हाँ आप जो एक फिल्म में बच्चे थे हम लोग मैडम, तो एक गाना था बिना बाप के बच्चा, हाँ जी तुमने देखा, हाँ जी हमने देखा, हाँ जी सबने देखा, हाँ जी। हाँ जी के जो एक परंपरा चली है ऐसा बोल रहे कि 16-6 साल में हिंदुस्तान 6000 बरस का देश है। मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है। 6 बरस का देश नहीं है ये, 14 के बाद ही देश नहीं हिंदुस्तान बना है, उससे पहले भी ये देश रहा है। तो ऐसी बातें बोली जा रही है, बेरोजगारी खत्म, अब किसी के घर में कोई बेरोजगार है ही नहीं है। भ्रष्टाचार को दूरबीन से खोदने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, जाइए थाना में क्या है थाना जी। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी। क्या हालत है जरा पता कर लीजिए, तहसील में लेखपाल किसी गरीब का जो लघु और सीमांत किसान हो उसको नापने के लिए तैयार नहीं है, और जब यहाँ पर बोल रहे हैं लोग तो जिससे लग रहा है कि या तो हम ही लोग गड़बड़ हो गए हैं या ये लोग खुद गड़बड़ हो गए हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलना। कम से कम सही बात तो बोल लें, हम सब सही बात नहीं बोलेंगे तो हम कहीं कहीं तो ईमान धर्म होना चाहिए। रानीत में ऐसा तो है नहीं कि खाली हम बिना बाप के बच्चा, हाँ जी सबने देखा, हाँ जी कहो वाह वाह कहो वाह वाह। हम रानीत में इसके लिए थोड़ी आए, रानीत कोई धंधा नहीं है, एक लगाओ तेरा पाओ, रानीत सेवा भाव है, जहाँ इंसान काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती है, एकदम वो है राजनीति। राजनीति में काम करता है दूसरे के लिए, पहचान उस व्यक्ति की बनती है। लेकिन जब से हम लोग राजनीति में बहुत कम उम्र में 25 साल में हम लोग भी MLA हो, 7वीं 8वीं बार है, सांसद भी रहने का सौभाग्य मिला, मंत्री भी रहने का सौभाग्य मिला, गलत तो गलत और सही तो सही थी राजनीति में हम नहीं कहेंगे। तो ये बताइए हम कहो बाह बाह के लिए पैदा है। ऐसी बात है, प्रस्ताव रख रहे थे नीलकंठ जी तो जिससे लग रहा है कि काशी में हम भी पढ़े पढ़े हैं, आप तो ऐसा बोल रहे थे जिससे लग रहा है कि काशी दुनिया के नहीं कोटा तो देखे नहीं किए क्या कोटा जानते हैं। ये तो ऐसा बोल रहे जिसे काशी हम न पढ़े हैं न बढ़े हैं न देखे हैं। काशी में क्या गंगा, अभी हमारे गुरुदेव मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि गंगा बहुत सुंदर हो गई, किस दूरबीन से देखते हो यार, दूरबीन हमें तो बता दो हम भी देख रहे। गंगा कहाँ साफ हो गई, अभी 51 लोग गंगा में अभी क्रूज पर 31 दिन में पहुंचे हैं कलकत्ता। मैडम इतना देश में कौन खाली है क्रूज से 31 दिन में कलकत्ता पहुंचेगा, और जहां जहां DM SP है वो तबला बजा रहे हैं। यही विकास है, ऐसे विकास मुबारक हो। लेकिन याद रखिए सौभाग्य में सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि झूठ के कुतुब मीनार बनकर आप बहुत दुनिया में अच्छा कर लेंगे, सच्चाई कहीं ना कहीं खुलेगी, सच्चाई कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देगी। आज जरूरत है, हम इस व्यवस्था में महंगाई कितनी तेज बढ़ी है, थाली से दाल गायब हो गया। सब्जी की स्थिति है कि चावल दाल सब्जी रोटी कोई खा नहीं पा रहा,
पेट्रोल कितना महंगा हो गया, मजदूरी किसान आपने कहा कि इतना धान तो खरीदारी हो गई, लेकिन खेतिहर मजदूर का खेती कितनी महंगी हुई। हम इस पर बहस क्यों नहीं करते, हम इस पर बहस क्यों नहीं करते कि आज हर आदमी परेशान है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी राजनीति में बहुत कुछ सोच समझ के आए थे, कम उम्र में संघर्ष करके पैदा हुए हैं। हम लोग लाठी जेल, ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस के कभी समर्थक रहे, जब गैर कांग्रेसवाद की नारा थी तो हम लोग सब लोग मिलकर उस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किए हैं, जिस कांग्रेस का ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हिंदुस्तान से उखड़ना। तो ये मत भूलिए आप भी कि आप नहीं चले जाओगे, आपको भी जाना तय है। हाँ, कुछ समय का तकाजा है, बिजली विभाग में माननीय हमारे बिजली मंत्री जी बैठे हैं, आपका बिजली विभाग का जो जेईई क्या कर रहा है आपको मालूम है, जितना अंग्रेज नहीं लूटे हुए सदिया आपका जेईई लूट रहा है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। जिसके यहाँ एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, आप ही पे कह रहा हूं, अकबर ने बीरबल से कहा कि हवा में महल बनाओ, तो कहा हुजूर हवा में महल किसे बनेगा, कहा नहीं बनाओगे तो सर कलम कर दूंगा। चढ़ा के आदमी कहा अरे भाई जान बचाना जरूरी है, तो उसने कहा कि हुजूर प्रयास करूंगा, लगा कहे हम कुछ नहीं जानते हैं आकाश में, हवा में महल बनाओ। उसने तोता पैदा किया और उनको पढ़ाया लिखाया और कहा कि जब बादशाह के शक्ल के इंसान जब निकले तो तुम्हें एक ही बात कहना, चले गर्रा चले माटी चले ईटा। जब निकलता तो बादशाह ने पूछा बीरबल ये क्या पशु पक्षी नारा लगा रहे हैं, कहा हुजूर काम धुआंधार लगातार शानदार चल रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पशु पक्षी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी नारा लगा रहे हैं चले चलता चले माटी चले। अब स्थिति ये है, तो पूछा बीरबल ने, बीरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा बीरबल से ये महल कब तक तैयार हो जाएगा, कहा हुजूर यही तय नहीं है कब तक तैयार होगा, काम लगातार चालू है। तो आपका भी लगातार काम चालू है, लेकिन आप लोग क्या कर आप लोग जो कर रहे हो लगातार चालू है, धुआंधार चालू है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पर हम लोगों ने काम नहीं किया है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट में हमने काम नहीं किया, साल भर में बिजनेस प्लान में आपने कोई पैसा दिया, कोई ट्रांसफार्मर बदला, आप माननीय मंत्री जी आए नौकरी करके राजनीति में, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मैडम इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि हम लोग भी यहाँ सही बात कम से कम बोल रहे हैं, इतनी अच्छी बात बोले। आप हमारे जो प्रस्तावक हैं, आज बनारस की क्या हालत है, आप कचहरी जाते हैं सर माननीय मंत्री जी, कचहरी में साइकिल स्टैंड कहाँ खड़ा होता है, मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी होती है, देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आप भी 5 साल गोलगप्पा का उद खाए हैं, क्यों नहीं आप जेल को कचहरी बनवा दे रहे हो, और जितने गंदे या गड़बड़ लोग हमको आप पिंडरा में कहें जेल बनवा देते, आप बनारस की विकास की बात करते हैं, आप विश्वनाथ मंदिर में आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने शुरू किया, ये 5 भवन हम लोग नहीं खरीदे थे, आप खरीदे थे क्या, आप तो उस समय भूणावस्था में भी नहीं थे, ये राजनीति वाले नहीं हम, ये वाले बस इतना ही कहकर आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में इस बात को बताना चाहते हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों ने संघर्ष करके राजनीति में, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई गुनाह क्यों किया है, हम लोगों ने भी अच्छा काम किया, और उसी अच्छा कम के नतीजा है बिजली मंत्री जी ट्रांसमिशन लाइन में, आप पता कर लीजिएगा, आप 220 6 साल हो गया भदौरा में 220 चालू नहीं हो पाया, और वो अखिलेश जी का ही 220 132
और 33 बाई रायपुर के भी पास हुआ था, ये आप नहीं पास किए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।